हमें इस समय अशोकनगर वार्ड के अंदर और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि भव्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है और क्या होने जा रहा है 22 तारीख के लिए। हमारे बीच में राजेंद्र शर्मा जी हैं और क्या नाम है पूरे समिति के इनके सदस्य मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे भगवान परशुराम जन्मोत्सव की क्या तैयारी? भगवान परशुराम जी सभी के आराध्य हैं और सभी समाज से मैं निवेदन करता हूं कि उस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और धर्म लाभ लें। राजेंद्र शर्मा जी, शोभा यात्रा हम 22 तारीख को निकालने जा रहे हैं, क्या है इसका पूरा प्रोग्राम? देखिए, शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी की झांकियां होंगी और भी झांकियां होंगी और 3 नंबर से रवाना होके हम विभिन्न मार्गों से होते हुए और पंचायती धर्मशाला में समापन होगा। इसलिए मैं जनता से पुनः सभी धर्म से प्रार्थना कर सभी समाजों से अधिक संख्या में उसमें आप आए और धर्म लाभ लें। कितने बजे से ये आरंभ हम शुरू कर देंगे? ये आरंभ 9:15 बजे से आरंभ होगा सुबह। हाँ, और बाकी प्रभु इच्छा के अनुसार जो भी हो। क्या कहना चाहेंगे अभी शोभा यात्रा के लिए? शोभा यात्रा ये कितनी भव्य शोभा यात्रा है भगवान परशुराम की कि इससे पहले आपको ना देखने को मिली होगी और ना ही मिलेगी। इसमें मेरा सभी समाज के लोगों से और सभी वर्गों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान परशुराम के पुण्य लाभ उठाए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव की क्या शुभकामना देना चाहिए? मैं सभी को ये शुभकामना देना चाहूंगा कि भगवान सभी के व्यापार में उनको पुण्य लाभ दे और सभी उनसे पुण्य लाभ कमा सके। पराशर जी, क्या शुभकामना, क्या मैसेज देना चाहिए? भगवान परशुराम की शोभा यात्रा नंबर 3, 22 अप्रैल को शुरू होगी। विभिन्न झांकियां होंगी, उसमें वो होंगे, बैंड बाजे होगा, डीजे होगा, 4 जो है अश्व होंगे और भव्य बहुत तैयारी की है। कार्यकारिणी ने बहुत मेहनत की है, संघ समिति ने भी धन इकट्ठा किया, समाज से सब मिलजुल कर जो है मना रहे हैं इसे और हमें पूरा सहयोग मिला है जो है, मिलजुल कर करेंगे सब और पुण्य लाभ इसका अवश्य उठाएं। क्या इसके अंदर पूरा समस्त अशोकनगर ब्राह्मण समाज इसके अंदर शामिल हो रहा है पूरा बिना भेदभाव के? बिना भेदभाव पूरा ब्राह्मण समाज एकत्र है, सबने जो कलेक्शन दिया है कहीं किसी ने मना नहीं किया और सब बड़े खुश हैं कि पहली दफा इतनी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो सब मिलजुल कर मनाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे ये यात्रा की अगर हम बात करें तो कहाँ से आरम्भ? गली नंबर 3 मेन वज्राबाद रोड से शुरू होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए शुक्र बाजार चौक से पंचायती धर्मशाला में लगभग 1 बजे समापन होगा। उसके बाद 75% से अधिक नंबर लाने वाले बच्चों को 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सबको सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद खाना होगा। सभी धर्म के लोग इसमें धर्म लाभ लें और सब आए। पूरा NCR दिल्ली NCR को हमने सूचना दी हुई है, सब मिलजुल कर सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। तो मतलब अशोक नगर ही नहीं पूरा दिल्ली NCR, पूरा दिल्ली NCR को हमने जो है सूचना दी है और हम आशा करते हैं कि सभी जो है आएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उस दिन की राजेंद्र शर्मा जी अक्षय तृतीया भी, अक्षय तृतीया भगवान परशुराम का अवतरण है जी, इसलिए वो तो चारों तरफ से खुला दरबार होता है भगवान का, सबसे पुण्य का दिन तो वही है। तो ये थे हमारे बीच में अशोकनगर ब्राह्मण समाज के सर्वे सर्वा राजेंद्र शर्मा जी और पराशर साहब और उनके टीम के सदस्य। 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है, आप सभी सादर आमंत्रित।